नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे दोस्तों आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं IPO के बारे में। वैसे तो IPO का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखा है, इस समय एक ही IPO रनिंग है आप सभी के लिए, लेकिन एक भारत के लिए सबसे बड़ा IPO आने जा रहा है और वो IPO आप सभी को अच्छे से पता है Hyundai मोटर्स का है। सवाल केवल छोटा सा है भाई साहब, IPO में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, क्या डिटेल्स है क्या डिटेल्स नहीं है। देखो, पैसा लगाना है या नहीं लगाना है वो तो जब इशू ओपन होगा तब बताऊंगा, लेकिन डिटेल्स अभी बता दे रहा हूं। कितना बड़ा IPO है ये, कितनी कैटेगरी में आप अप्लाई, मतलब कितने जो आपके लिए पोर्शन है रिटेल कैटेगरी में वो कितना पोर्शन है, कब खुलेगा ये IPO, क्या प्राइस बैंड है, और Hyundai मोटर्स के एम्प्लॉयज के लिए एडिशनल अराउंड 10% समथिंग का डिस्काउंट भी है। तो एक एक करके सारी चीजें बताता हूं दोस्तों। उम्मीद से ज्यादा बड़ा IPO है ये। जब IPO आने की खबर आई थी तो अराउंड 25,000 करोड़ का IPO होगा, इस प्रकार की न्यूज थी, लेकिन उससे बड़ा निकला दोस्तों ये 27,870 करोड़ का IPO होने जा रहा है। ये एक बार रिपीट करता हूं, 25,870 करोड़ रुपीस का Hyundai मोटर्स अपना IPO लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों ये जो IPO, ये पूरा का पूरा OFS यानी ऑफर फॉर सेल होने वाला है। दैट मींस जो इनकी पेरेंट है वो बेचेगी अपना हिस्सा और पैसा जाएगा भारत से बाहर। जी हाँ, ये पैसा भारत से बाहर जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, Hyundai मोटर्स इंडिया विच विल बी इंडियाज लार्जेस्ट IPO टिल डेट, आज तक का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। इससे पहले LIC का था जो केवल 21,000 करोड़ का था। केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा बड़ा है, अदरवाइज 21,000 करोड़ भी अपने आप में बहुत बड़ा IPO था। उस समय ये था कि इतना बड़ा IPO फुलफिल कैसे होगा, लेकिन एट द एंड फुलफिल हुआ। और अब ये इसको सोच के डर लग रहा है 28,000 करोड़ का IPO कैसे फुलफिल होगा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, वो अभी आपको बताऊंगा। एट द अपर बैंड, जो प्राइस बैंड है, मैं प्राइस बैंड बता दूं तो 1865 to 1960 रुपीस का प्राइस बैंड तय करा गया है कंपनी के लिए, और 10 की फेस वैल्यू पे IPO उतरेगा बाजार में। एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड द IPO साइज विल बी 27,870 करोड़। जो प्राइस का अपर बैंड है यानी 1960 है, उसके हिसाब से आप प्राइस बैंड निकालें कि कितना पैसा जुटा रही है कंपनी, तो भाई साहब ये 27,870 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, विच विल सरपास LIC's साइज ऑफ ओवर 21,000 करोड़। तो LIC का 21,000 करोड़ का IPO काफी बुरी तरीके से सरपास कर दिया है, मैंने आपको बताया जैसा भी अभी। कंपनी दोस्तों OFS में 14.2 करोड़ शेयर्स बेचने वाली है, जिसकी वैल्यू होती है 27,870 करोड़, जिसमें परसेंटेज होती है 17.5, यानी कि 17.5% स्टेक पेरेंट बेचेगी कंपनी में, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर 1 lot of 7 shares, तो 7 शेयर का एक लॉट है आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें। आगे, एंकर इन्वेस्टर्स विल बिड फॉर द इशू ऑन 14th October, तो एंकर इन्वेस्टर्स 14th October को पैसा लगा सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स आप और हम नहीं, आप और हम कब लगाएंगे पैसा, तो भाई साहब IPO ओपन होगा 3 दिन के IPO में, 15 तारीख से शुरू होगा, 15, 16 और 17, इन 3 दिन ये IPO ओपन रहेगा। दिमाग में छाप लो ये डेट, 15, 16, 17, 15 तारीख को ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अप्लाई करना है या नहीं करना है। वैसे तो मुश्किल ही बोलूंगा मैं अप्लाई करने के लिए, रीजन इसलिए नहीं कि कंपनी में कोई दिक्कत है, रीजन इसलिए इतिहास अच्छा नहीं है दोस्तों बड़े IPO का। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताना चाहूंगा आपको, ये जो IPO 28,000 करोड़ के करीब का दिख रहा है ना, इसमें से 50% तो QIB के लिए, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के लिए, दैट मीन्स बचा 14,000 करोड़ का IPO, ठीक है। और इस 14,000 करोड़ के IPO में 15% का IPO नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, NII के लिए, तो अब आपका बचता है करीब करीब 10,000 करोड़ का IPO। तो कहने वाली बात यह है कि आप कह सकते हो कि 10,000 करोड़ का IPO हमें और आपको फुलफिल कराना है कैसे भी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द 35% IPO जो है वो रिटेल कैटेगरी में रिजर्व किया गया है। Hyundai मोटर शेयर विल कैरी अ फेस वैल्यू ऑफ 10 rupees each। द कंपनी विल ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 186 rupees पर शेयर टू एलिजिबल एम्प्लॉयज हु विल बी बिडिंग इन द IPO। किसी को भी मिलेगा दोस्तों ऑफर डिस्काउंट, जो भी अप्लाई करेगा उसी को डिस्काउंट, ठीक है भाई।
इनकी अगर सेल्स की बात करें सितंबर तो 64,201 यूनिट पे आई थी, जो कि डिक्लाइन करते हुए दिखी थी 10% साल दर साल, जैसा कि पूरे ऑटो सेक्टर में ही दिक्कत आई है, इनकी कंपनी में भी दिक्कत थी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी दोस्तों ह्यूंडई मोटर्स के आईपीओ की, पैसा लगाना है नहीं लगाना उसके बारे में आप सभी के साथ 15 तारीख को डिटेल में डिस्कस करूंगा। एज ऑफ नाउ मेरा कोई मूड बन नहीं रहा है, लेकिन इस आईपीओ को जरूर हम रडार पे रखेंगे और इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिस्टिंग के बाद जरूर हम इस पर बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।